आइए जानते हैं इस तरह का इमेज जनरेट करके उसको एआई के थ्रू एनिमेट करने में क्या-क्या करना पड़ता है। गूगल में जाके, चैट जीपीटी में जाके आपको ये इमेज अपलोड करना होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे होता है। चैट जीपीटी जो है अभी अपना चैट जीपीटी का 4.0 वर्जन आ गया है और इसमें आप जब लॉगिन करेंगे तो आप अपने जीमेल आईडी या किसी भी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। और उसके बाद ये इनका पेज है और इस पेज पे आप आके लॉगिन करिए और उसके बाद आपने जो भी इमेज को जनरेट करना है या जिस इमेज के बारे में भी आपको जानना है वो इमेज आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, चाहे वो पिनरेस्ट हो या गूगल हो या किसी भी जगह से आप इमेज, या फिर अपने कैमरे का फ़ोन इस्तेमाल करके आप कोई भी फोटो वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो एक बहुत ही आजकल ये वाला ट्रेंड में चल रहा है और ये एक लीफ से बना हुआ कैरेक्टर है जो कि बहुत फेमस हो रहा है। तो मैंने भी चाहा कि इस तरह का एक कैरेक्टर जनरेट करूँ, तो उसके लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके और इसको यहाँ मैंने चैट जीपीटी 4.0 के अंदर इस इमेज को अपलोड किया है और इसको बोला है एनालाइज करने के लिए। तो वो इस इमेज को एनालाइज कर रहा है और ये पूरा का पूरा कंटेंट हमें बता देगा कि इस इमेज के अंदर क्या क्या है। तो आप देखिए कैसे ये कर रहा है सारा का सारा। और उसके बाद आती है कि आप इससे अगर इसको आप जनरेट करना चाहते हो सेम कैरेक्टर, तो उसके लिए आपको एक इमेज प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होगी। तो इमेज प्रॉम्प्ट कैसे लेना है, तो आपको चैट जीपीटी 4.0 पे आके यहाँ पे अगर आप वो रेफरेंस में इमेज डाला आपने और इसको बोलेंगे कि आपको भी ऐसा ही इमेज जनरेट करना है और इसके लिए इमेज प्रॉम्प्ट आप दो, तो ऐसा करने पे ये एआई जो है चैट जीपीटी का 4.0 काफ़ी एडवांस हो चुका है पहले की अपेक्षा में, तो ये आपको उसका इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। उसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं और उसको एआई के थ्रू उस इमेज को दोबारा से जनरेट करने के लिए वो प्रॉम्प्ट आपके पास हाथ हाथ यहाँ मिल जाएगा। अब ये नहीं है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या आपको लिखना होगा, चाहिए यहाँ पे ही आपको जनरेट करके मिल जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप इसको एआई के थ्रू जनरेट कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे इमेज जनरेट किया है, इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट तैयार हो गया मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कंटेंट है ये थोड़ा शॉर्ट हो जाए, ये काफ़ी लॉन्ग कंटेंट हो रहा है, तो इसको हम शॉर्ट करना चाहते थे। शॉर्ट करने के लिए मैंने इसको दोबारा से ये पूरा कंटेंट सेलेक्ट करके यहाँ पे और उसके बाद इसको मैं दोबारा से लिखूँगा समराइज इट। समराइज इट करते ही ये पूरे कंटेंट को समरी, जैसे किसी चीज़ का सारांश निकालते हैं, तो ये सारांश निकाल के मुझे आगे दे देगा। तो अभी आप देखिए कैसे ये मैंने जैसे ही यहाँ पे इसको कमांड दिया ये इस चीज़ को करके और शॉर्ट में मुझे दे देगा इसका पूरा। तो यानी कि मेरे पास दो कंटेंट हो गए, मेरे पास दो इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करने के कंटेंट मेरे पास आ चुके हैं। तो अब आते हैं हम लोग ये पूरा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं पहले और उसके बाद गूगल के नए टैब में जाके वहाँ पे लियोनार्डो करके एक है, लियोनार्डो एआई, उस पर जाएंगे। उसके लिए मैंने पहले से बुकमार्क बना के रखा हुआ है और वो बुकमार्क के थ्रू मैं उस पेज पे चला जाऊँगा। ये मेरा बुकमार्क है और ये इमेज जनरेट करने के लिए बेहतरीन एआई की वेबसाइट है जो कि फ्री में अवेलेबल है। लोग मिड जर्नी पे भी जाके करते हैं, मिड जर्नी भी है लेकिन वो पे है और यहाँ पे आपको पर डे 150 टोकन मिलते हैं लियोनार्डो के एआई पे। और यहाँ 150 टोकन में यहाँ भी आप अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि देखिए कितने अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे लोगों ने जनरेट किया है प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो यहाँ से आप अच्छे इमेज को डाउनलोड करके और उसको भी आप अपने उसमें प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक का है और इसके लिए उन्होंने पे नहीं किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ आपके लिए हो, पर्सनल हो, तो उसके लिए आपको फिर पेड वर्जन लेना पड़ेगा। और उसके बाद तो यहाँ पे ये जैसे आप आएंगे तो यहाँ इमेज जनरेशन टूल, जब लॉगिन कर लेंगे तो इमेज जनरेशन टूल है यहाँ पे, इसको इमेज को आप एनिमेट भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने जैसे ही वो कमांड यहाँ पे पेस्ट करके और इसको डाला तो उसने यहाँ पे कुछ टोकन इस्तेमाल करके वो चार तरह का इमेज जनरेट करने का वो ऑप्शन है। यहाँ लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे हमारे पास 1 2 3 4 जो लिखा है इसको आप चेंज कर सकते हैं, दो इमेज या एक इमेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही वो एक इमेज या दो इमेज
जितने जनरेट करने हैं आप कर सकते हैं, और उसके प्रॉम्प्ट में थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप डिजायर रिजल्ट पा पाएंगे। तो आप देखिए, अब मैंने इसको दे दिया है, ये आपके इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है, और क्यों कितना है, कितने लोग इस टाइम इसको यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास। तो ये हर तरह का यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। ये मैंने रिसेंटली ही ट्राई किया था, तो जिसमें मैं सक्सेस उतना नहीं हो पाया, लेकिन कैरेक्टर उसने बनाया है, अच्छा बनाया है। आप देखिए कितना डिटेल है, डांस का कैरेक्टर है ये, और लिप से बना हुआ ड्रेस है इसका। ये पूरा मैं सारा उसके लिए, उस इमेज को जो मैंने बताया था आपको पहले से स्टार्टिंग में, उसको लेके ध्यान में रख के मैंने बनाने की कोशिश करी है। और क्योंकि ये देखिए जैसे बन गया, अब इसमें चार ऑप्शन है, लेकिन अभी भी मैंने जो सोचा था उस लेवल का इसने करके नहीं दिया है। इसमें अभी और टाइम लगेगा और अलग अलग, लेकिन फिर भी अगर आप रिजल्ट देखें तो इसमें बहुत अच्छा इसने इसको फ्रॉक का ड्रेस बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा शेडो आ रहा है वाटर के अंदर, और जंगल मतलब पूरा एक आपको इतनी जल्दी में आपको अगर चार इमेज बना के जनरेट करके दे दिया, जिसमें ना आपको फोटोशूट करना पड़ा ना कुछ, तो और क्या चाहिए। यहाँ से अब वो कंटेंट मैंने देख लिया था, वो स्मॉल वाला था, समराइज था। अब इसमें मैं कंप्लीट वाला करके और इसमें दो इमेज करके इसका चेक करता हूँ कि अब ये बना के क्या देता है। तो देखते हैं आगे कि ये कैसा रिजल्ट दे पाता है। थोड़ा सा वेट करिए और उसके बाद ये देखिए क्या बना के आता है आपके पास, और तब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इसको कैसे एनिमेट किया जाएगा, और इसको कैसे हम लोग रील्स में या फिर शॉर्ट्स में या फिर अपने इंस्टाग्राम पेज पे इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे इसको और डेवलप करके और इसमें चेंजेस ला सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग जानेंगे। ये दो और इमेजें जनरेट हो चुकी हैं मेरी। अब जब हमारे पास ये दो इमेज जनरेट हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं अगले साइट पे, ये करेंगे। ये है हमारा विगल साइट, VIGGLE विगल, और ये वाला जो साइट है इस पे आप कोई भी 2D इमेज जो भी आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो सेव करके, या फिर आपने जो AI की मदद से जनरेट किया है, तो उस इमेज को आप यहाँ पे, इन्होंने रेफरेंस में बताया कि देखिए कैसे, मतलब आप इसमें वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं अपनी कोई, और उस वीडियो के फॉर्म को ये कॉपी कर लेगा और वो वाला फॉर्म आपके दूसरे वाले कैरेक्टर पे अप्लाई करके दिखा देगा। इस लेफ्ट साइड वाला जो इमेज अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये वाली इमेज मैंने अपलोड कर दी। 3 से 4 मिनट वेट करने के बाद रिजल्ट ये है आपके सामने। ये जो पंजाबी भांगड़ा आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड में, ये म्यूजिक मैंने गाना AI से जनरेट किया है।